गाइस अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली एक न्यूज़ सुनने में आई है कि जो JKSSB के एग्ज़ाम्स होने हैं 20 मार्च को, शायद उस पर स्टे लगा हुआ है। अभी ये चीज़ न्यूज़ कंफर्म नहीं है, ये मेरे पास एक नोटिस आया है। अब ये नोटिस ऑथेंटिक है या नहीं है इसकी मैं कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन लग तो रहा है कि नोटिस आया हुआ है। और अभी तक आप भी देख रहे होंगे कि अभी तक, क्योंकि 20 मार्च को एग्ज़ाम है और अभी तक इन्होंने कोई एडमिट कार्ड भी इशू नहीं किया है। हालांकि 10 दिन पहले एटलीस्ट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं, या तो कम से कम नोटिस आ जाता है कि हम इस डेट को एडमिट कार्ड इशू करने वाले हैं। तो मैं अब आपको इस केस की थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, ये एक कोई ND इन्फो सिस्टम्स है, ये कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। इसको ठेका मिला था, इसको एक बिडिंग बिडिंग इसने मतलब इसको मिली थी और इसको अलॉट हुआ था कि जो एग्ज़ाम्स होंगे अकाउंट असिस्टेंट के और जो बाकी JKSSB के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इसको भी, इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। यानी कि कोई ना कोई इसकी, इसने कोई बिड, जो टेंडर इशू होते हैं उसमें इसकी, इसने भी बिड की होगी इस कंपनी ने, और इसको भी टेंडर मिला होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इस केस के बारे में। द ग्रीवांस ऑफ द पटिशनर इज दैट द रेस्पोंडेंट्स हैव इशूड नोटिस फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर द OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट विदाउट इन्वॉल्विंग द पटिशनर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सेम कुड नॉट बी डन एज द पटिशनर इज सक्सेसफुल बिडर टू कंडक्ट OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन। तो समझ रहे हैं आप कि जो अभी अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें JKSSB ने जो है, ये जो कंपनी है इन्फोटेक, जो कंपनी है ये, इसको इसका भी इसने बिड जो थी वो विन की थी, है ना। तो उसमें इसको इन्होंने इन्वॉल्व नहीं करा था उस एग्ज़ाम में, विदाउट इन्वॉल्विंग द पटिशनर। तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आगे। और द प्रेयर ऑफ द पटिशनर टू स्टे द कंडक्ट ऑफ OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 6/3/2022 इन परसुएंस टू दी नोटिस डेटेड 23/2/2022। हाउ एवर द रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेंड फॉर इशूड बाई द रिस्पोंडेंट नंबर टू इज डिक्लाइंड एज द एग्जामिनेशन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉल्ड एट दिस स्टेज। ये कह रहा है कि जो 6 तारीख को यानी 6 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें जो था, उसमें जो पटिशनर जो था उसने स्टे लिया था, लेकिन फिर भी जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने उस एग्ज़ाम को होने दिया। हालांकि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एग्ज़ाम तो हो चुका है, जो 6 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट असिस्टेंट का वो तो हो चुका है। हाउ एवर द रेस्पोंडेंट आर रिस्ट्रेंड फ्रॉम कंडक्टिंग फ्यूचर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि लेकिन अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उन पे अभी स्टे लगा है, ठीक है। विदाउट इन्वॉल्विंग द पटिशनर एज द लेटर ऑफ इंटेंट हैज़ बीन इशू टू द पटिशनर। यानी कि अब जब तक वो इन्वॉल्व नहीं करते पटिशनर को, जिसने बिड विन की है, जिसको टेंडर मिला था, जब तक इस पटिशनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक स्टे लगा है और मैं आपको बता देता हूँ इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट हियरिंग जो है वो है लिस्ट ऑन 5/4/2022, यानी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को इस केस की नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो गाइस आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है आगे, क्योंकि ये तो फिर बहुत लंबा केस चलेगा। 5 अप्रैल, आप समझ सकते हैं, ये तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रही थी और अब इस एग्ज़ाम पे भी पंगा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये और भी लंबा जा सकता है, ये केस लंबा खींच सकता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर तो किसी ने अपनी बिड विन की है, अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। तो अब देखो, देखिए अब वो क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस शायद यही रीज़न हो सकता है कि 20 मार्च का जो एग्ज़ाम होना है उसके एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुए हैं। बाकी मैं इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, अभी लेट्स सी आगे क्या होता है।